भारत अमेरिका की धमकियों के बाद भी ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा, साथ ही ईरान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग जारी रहेगा। ईरानी विदेश मंत्री, जो इस समय न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सत्र में शिरकत कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जारी और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बीच गुरुवार को मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद जारीफ की ओर से ये बयान आया। जारीफ का बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका की ओर से उन देशों पर प्रतिबंध की धमकी दी जा चुकी है जो 4 नवंबर के बाद भी ईरान से तेल आयात या फिर किसी तरह का आर्थिक संबंध जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अपने देश को बाहर कर लिया है। इसके बाद वो ईरान पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर चुके हैं। ईरान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक में तेल उत्पादन करने वाला तीसरा बड़ा देश है। अमेरिका अपने साथी देशों पर दबाव डाल रहा है कि 4 नवंबर तक वो ईरान से तेल आयात को जीरो कर दें। मोहम्मद जारीफ ने सुषमा से उंगा में मुलाकात की थी। आपको बता दें कि ईरान तीसरा देश है जहां से भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। ईरान की तरफ से भारत को फ्री शिपिंग और बड़े ही क्रेडिट पीरियड पर तेल देने की पेशकश की जा चुकी है। ऐसे में भारत ने भी ईरान से तेल का आयात बढ़ाने की योजना बनाई है। ईरान पर लगे पूर्व प्रतिबंधों के तहत भी भारत कुछ ऐसे देशों में शामिल था जिन्होंने ईरान से तेल खरीदना जारी रखा था।